हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ कुलीन खां का मकबरा। जी हाँ, और अब मैं अभी मूव कर रहा हूँ कुलीन खां के मकबरे की ओर। साथ में आपको यहाँ पे कुलीन खां के मकबरे के बाहर बना दिया है फाउंटेन, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया है। अभी और भी ढेर सारा रेस्टोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था तो ऐसा कुछ नहीं था, पूरे जंगल और झाड़ियों से घिरा पड़ा था। और यहाँ पे लोगों की जो विजिटिंग थी वो बहुत कम थे। मुझे लग रहा है कि उस टाइम में मैंने रेयरली एक या दो व्यक्ति को यहाँ पे, या मुश्किल से 10 व्यक्ति होंगे पूरे पार्क में जिससे मैं मिला हूँगा, जो कि एक्सप्लोर कर रहे थे। बाद बाकी पूरा जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ था। पर आज जब मैं आया, ये दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, तो यहाँ पर बहुत सारी आवाम है, बहुत सारे पब्लिक है जो कि घूम रहे हैं और इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सामने की ओर देखिएगा तो यहाँ पे झरने का लुक दिया गया है। साथ में यहाँ पे 3-4 फाउंटेन लगाया गया है और थोड़ा सा इसे लेक जैसा व्यू दिया गया है। तो जब आप उस ओर से सामने की तरफ से यहाँ पे देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि फ्लोटिंग महल हो, या हम कह सकते हैं पानी के बीच तैरता हुआ महल, जैसा जल महल हो वैसा ही फील आता है। और यहाँ से जब अंदर की ओर से जब आप आइएगा घूम के कुलीन खां के मकबरा की तरफ से, तो यहाँ पे आपको बैठने के लिए स्पेस है, सीढ़ियों पे आप बैठ सकते हैं इवनिंग टाइम में और फाउंटेन का लुक उठा सकते हैं। अब ये रहा मेरे पीछे कुलीन खां का मकबरा, जो कि हाई डेस्ट प्लिन पे इस्टेब्लिश्ड है। और इसके लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ऊँचाई पर स्थापित है वो कुलीन खां का मकबरा है। और अब मैं आ गया हूँ कुलीन खां के मकबरे के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। और जब भीतरी पोर्शन से आप देखेंगे तो यह एक 2 मंजिला इमारत इतनी है। और इसमें वाइट स्टको का प्रयोग किया गया है, साथ में ब्लू टाइल्स का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लगता है हम किसी इस्लामिक कंट्री में पहुँच गए हैं। लेकिन जब आप इसके भीतर आते तो कोई भी यहाँ पर कब्र मौजूद नहीं है, वो के साथ नष्ट हो चुका है। और ये अपने आप में सबसे बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। और सच में ये जगह जब मैं आया तो इस जगह ने मेरा दिल छू लिया है, क्योंकि जब आपको वाइट के साथ ब्लू टाइल्स का कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने के लिए मिलता है तो बहुत ही बेहद खूबसूरत लगता है यहाँ पे। इसके साथ में आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ नज़र आ जाएंगी जो कि बहुत ही पतली और सकड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे गेट पे देखेंगे तो ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर जाने की मना ही है। तो आप यहीं पे इस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऊपर के पोर्शन में यहाँ पे सिमेट्री मौजूद नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है सिर्फ इबादत करने के लिए। उसका निचला पोर्शन है जहाँ अभी तो हम हाई रेस्ट प्लिंथ पे खड़े हैं ऊपरी मंजिल पे, और उसका निचला पोर्शन है जहाँ पे मैं कच्ची कब्रें मौजूद होती है उस जगह को अभी दिखाऊंगा। और इसके साथ में जो हाई रेस्ट प्लिंथ है, इसके चारों ओर आपको आर्कें बनी है, ढेर सारी यहाँ पर आर्क है। तो अब मैं चलता हूँ नीचे की ओर और वहाँ दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे कब्रें मौजूद होती हैं। और ये वो
वो जगह है जहाँ पे कब्रें मौजूद होती हैं, वो कच्चा एरिया है, आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ये पूरा एकदम टर्नल की तरह है और लास्ट में आपको ग्रिल लगा हुआ है लोहे का जाला, तो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाइएगा उससे पहले भी यहाँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ढेर सारे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है रेस्टोरेशन का, तो वो सामानों को यहीं पे टनल में रख दिया गया है और बाहर से लॉक लगा दिया गया है। सो फाइनली इस डेस्टिनेशन को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही।